नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। स्नातक स्तरीय हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर रास्ता साफ हो गया कि 3711 सीट जो खाली था उसे अब सीधी नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली बार जब नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। पीआरटी सीटों का मामला था, इसे लेकर विधानसभा में भी आवाज़ उठी थी और कई बार हाई स्कूल से संबंधित शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था। इनका मानना था कि सीट खाली है, अभी तक उन्हें लिया क्यों नहीं जा रहा है। अब सरकार ने आज तय कर दिया कि 3711 सीटों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 25% सीट ऐसे हैं जो सीट 25% जो है वो रिजर्व भरा जाएगा, इन सीटों को सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये आज स्पष्टता आ गया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए अविलंब अनुशंसा भेजने के लिए कहा गया है। इसे लेकर स्कूली साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरिंदर प्रताप सिंह ने आज एक चिट्ठी जारी कर दी है। चिट्ठी की कॉपी हमारे पास भी आई है। संथाल परगना में कुल पद 986 है, जिसमें रिक्त पद 868 है, जिसे अब सीधा भरा जाएगा। पलामू में कुल पद 687 है, जिसमें रिक्त पद 589 है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर बात की जाए तो 1374 में से 1095 सीट रिक्त रह गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 668 में से रिक्त 547 है और कोल्हान में 674 में से 612 रिक्त, यानी कि 4389 में से 3711 सीट खाली, जिसको पीआरटी सीट कहा जा रहा है। मैंने 25% ऐसे लोगों को लिया जाना था जो प्राइमरी टीचर हैं ऑलरेडी और उन्हें सीधी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन नियमावली में किसी प्रकार के सुधार नहीं होने के चलते ये दिक्कतें आ रही थी और बार बार आंदोलन के बाद आज ये सक्सेस हो गया और ये निश्चित हो गया कि ये नियुक्ति अब की जाएगी। जाहिर सी चीज़ है कि चुनाव का समय है तो सारी नियुक्ति जल्दी जल्दी होती जा रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को इसके लिए अनुशंसा पत्र भेज दिया है। प्रशिक्षित हाईस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता का ये पुराना मामला था जो मामला आज लगता है कि अंत हो गया इसका और अब ये नियुक्ति सितंबर महीने में हो जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, चिट्ठी भी मिल गई है। जाहिर सी चीज़ है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे हर सच्ची खबर और विश्लेषण के लिए। और रांची और जमशेदपुर में 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक क्लासेज चलेगा, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। हमारा हरिओम टावर के फर्स्ट फ्लोर पर जो ऑफिस है वहाँ चले जाएंगे और साथ ही साथ आप जानते हैं झारखंड वाला जो सेंटर है हमारा जमशेदपुर साक्षी आम बाजार में, और हमारे साथ आप 1 से 20 तक बातचीत कर सकते हैं दोनों शहर में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।